नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एक महीने से चल रहा सियासी घमासान अब शांत होने के कगार पर पहुंच चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन एक आदमी टूट कर नहीं गया। हमारी सरकार मजबूत है और मजबूत रहेगी। और इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि आलाकमान जो फैसला करेगा वो हमें मान्य है। तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को कहा है कि जब तक मैं हूँ आपका अभिभावक रहूंगा, कल जो फैसले हुए हैं उन पर आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारे विधायकों ने एकजुटता दिखाई है, विधायकों की नाराजगी दूर की जाएगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है, राजस्थान की जनता ने भी सहयोग दिया है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की धज्जियां उड़ गई। सरकार बहुमत में पहले भी थी और अब भी रहेगी और आगे भी रहेगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री खेमे ने सत्ता संग्राम में बाड़ेबंदी तीन की तैयारी शुरू की है। जैसलमेर से लौटने की उल्टी गिनती प्रारंभ कर दी गई है। पहले बाड़ेबंदी जयपुर में थी, दूसरी जैसलमेर में रही और अब तीसरी बाड़ेबंदी जैसलमेर में रवाना होकर जयपुर या आसपास में होगी, जहां से सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जुट जाएंगे। इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां अंदरूनी तौर पर तय हुई है, जिसको लगातार निभाने में लगे हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर व सीनियर डेमोंस्ट्रेटर पद की परीक्षा को स्थगित करने से मना कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मंगलवार तक, सीनियर डेमोंस्ट्रेट की परीक्षा 13 सितंबर तक आयोजित की जानी है। राजस्थान के उतार चढ़ाव वाले सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीते तीन दिनों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। राज्य में 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वसुंधरा खेमा शुरू से ही सचिन पायलट पर भरोसा करने को तैयार नहीं था और वह इसे राजस्थान में सरकार गिराने का उचित समय नहीं मानता है। राजस्थान में सियासी घमासान खत्म होने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर जा रहे हैं। वे अपने निवास से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहीं इससे पहले तीन निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पहुंचे, जिसमें ओम प्रकाश हुड़ला, सुरेश टाक और खुशबीर शामिल हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच तीनों पायलट गुट के साथ थे। देर रात सचिन पायलट के मनाने के बाद तीनों मंगलवार सुबह अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे, जिन्होंने गहलोत से मिलकर अपना पक्ष रखा और साथ ही सरकार के साथ रहने का भी भरोसा जताया। राजस्थान में कांग्रेस के बीच जारी सत्ता का संघर्ष अब रुक गया है। बगावत करने वाले सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की और सब कुछ ठीक हो गया। एक महीने तक चले इस पूरे सियासी ड्रामे पर भारतीय जनता पार्टी बाहर से नजर बनाए हुए थी और अब जब कांग्रेस में सुलह हुई है तो भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कांग्रेस में सुलझती दिख रही सियासी रात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान कांग्रेस का नाटक राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने के लिए किया जा रहा था। बांसवाड़ा के सदर इलाके में घलकिया गांव से धोखे से शादी रचाकर युवक के अपहरण मामले में परिजनों ने शातिर दुल्हन और उसके गिरोह पर 5.5 लाख के जेवर ले जाना बताया है। परिजनों ने इसके बिल और शादी के फोटो वीडियो सीडी दी। हालांकि यहां पुलिस रिमांड के दौरान दुल्हन से पुलिस को इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश हुए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आज होने वाली विधायक दल की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक का आयोजन जन्माष्टमी के बाद किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह जानकारी दी। इस बैठक में भाजपा के सहयोगी दल लोकतांत्रिक पार्टी के तीन विधायक भी शामिल होने वाले थे। सतीश पूनिया ने कहा कि हमने आज विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसा कि हमारे कुछ विधायक गुजरात में हैं और वह आज यहां नहीं पहुंच सकते और साथ ही जन्माष्टमी का त्यौहार भी है और ऐसे में सभी ने सुझाव दिया कि बैठक जन्माष्टमी के बाद आयोजित होनी चाहिए। यह बैठक जयपुर में होने वाली थी। राजस्थान में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत 10 हेक्टेयर से बड़ी टाउनशिप रेजिडेंशियल और ग्रुप हाउसिंग के प्रावधान बदले गए हैं। सोमवार को नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में 17 प्रकार के नए प्रावधान जारी किए और अब 2 हेक्टेयर तक के टाउनशिप के लिए मार्ग की सीमा 12 मीटर और 20 हेक्टेयर से बड़ी स्कीम पर मार्ग 30 मीटर होना जरूरी है। 2 से 4 हेक्टेयर तक आवासीय के लिए 18 मीटर और व्यावसायिक के लिए 24 मीटर, 4 से 20 हेक्टेयर तक की आवासीय के लिए 24 मीटर और कमर्शियल के लिए 30 मीटर पहुँच चुका मार्ग जरूरी किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसमी बीमारियों के दौर में कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति अधिक सचेत रहें। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होने पर मुश्किल हालात में फंस सकता है। गहलोत ने लोगों को भीड़भाड़ से बचने तथा महामारी से बचाव के लिए सभी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की हिदायत दी। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों में सुलह होने के बाद भाजपा ने 11 अगस्त से अपने विधायकों को होटल में रखने की योजना टाल दी है। बीजेपी भी अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखने वाली थी और 11 से 13 अगस्त तक विधायकों को होटल में भेजा जाना था, लेकिन अब यह योजना टल गई है। बीजेपी और आरएलपी के बीच बैठक होने वाली थी और उसे भी टाल दिया गया है। 11 अगस्त मंगलवार को जयपुर के क्राउन प्लाजा होटल में दोनों पार्टियों की बैठक होने वाली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्रों में 100% तथा अन्य क्षेत्रों में 90:10 के अनुपात पे केंद्रीय हिस्सेदारी उपलब्ध करवाई जाए। गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा तिमाही 4 किश्तों में रिलीज की जाने वाली राशि 6 माही किश्तों में रिलीज करने का भी आग्रह किया ताकि जिलों में कार्य निर्बाध गति से हो सके। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता कुंजीलाल मीणा ने कहा कि राज्य की पात्र सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 से 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की अभी भी कुछ सहकारी समितियों में गोदाम नहीं है और ऐसी ही समितियों में जमीन की उपलब्धता के अनुसार गोदाम निर्मित होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पाले स्थित जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति से 14 साल पहले जब्त की गई 89,956 रुपए की राशि को वापस लेने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे। एसीबी की ओर से बेनामी संपत्ति मानकर जब्त की गई यह राशि बाद में जांच के दौरान किसी थर्ड पार्टी की निकली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को नवंबर 2020 तक निशुल्क अनाज देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एनएफएसएल से जुड़े सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति तथा 1 किलो चना प्रति परिवार के साथ साथ एनएफएसएल के तहत देय अनाज का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 महामारी के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने राशन वितरण की व्यवस्था की समुचित निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में गरीब आदमी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसे समय पर राशन मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।